नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन अलवर द्वारा CHA कार्मिकों का मानदेय नहीं मिलने के विरोध में एसोसिएशन के कार्मिकों ने अपने अपने स्वास्थ्य केंद्र पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान ललिता शर्मा ने बताया कि सभी कार्मिक 5 महीने से कार्यरत हैं। सभी कार्मिक पूरे जिले में PHC पर कोविड हेल्थ असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत हैं, लेकिन 5 महीने से कार्मिकों को वेतन नहीं दिया गया। वेतन के लिए सभी अधिकारियों को CMHO को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली आदि को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक इस ओर किसी भी अधिकारी का संज्ञान नहीं किया गया। इसी को लेकर आज सभी PHC पर कार्य बहिष्कार करते हुए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। अखेरपुरा के CHC के कोविड हेल्थ सहायक राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण में CHA जून माह से कार्य कर रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर से लेकर मंत्री तक शिकायत कर चुके हैं। कार्मिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सुनवाई नहीं की गई तो आंदोलन तेज करेंगे और कार्य का बहिष्कार करेंगे। संवाददाता युवराज शर्मा की रिपोर्ट। ये धरना प्रदर्शन इसलिए कि हम सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक जून 2021 से पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण निष्ठा से, सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसमें घर घर सर्वे, मौसमी बीमारियों, नियमित कोविड टीकाकरण, सभी एग्जाम में कोरोना की गाइडलाइन की पूर्ण पालना करवाने, NCD का कार्य, CBAG फॉर्म, जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी के कारण रेगुलर सेवाएं हम लोगों ने दी हैं, किंतु आज दिनांक 2 दिसंबर तक CHA को वेतन नहीं दिया गया है, जिससे सभी को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में हमने CMHO सर, नोडल अधिकारी जी, डिप्टी CMHO, जिला कलेक्टर महोदय और हमारे यहाँ के मंत्री टीकाराम जूली जी को इस प्रकरण से अवगत करा दिया गया है। बाकी हमारा आज तक भी पेमेंट का जो पार्ट है वो क्लियर नहीं हुआ है। कहीं कैंप में ड्यूटी हम लोग जाते हैं, पूरा पेट्रोल खर्चा हो रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस रुकी हुई है, आर्थिक संकट इतना छाया हुआ है कि हम लोग अपनी दिनचर्या, घर का लालन पालन में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने सबको अवगत करा दिया, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस संदर्भ में हमने आज पूर्ण शांतिपूर्वक ढंग से कार्य बहिष्कार किया है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो इसके बाद क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम 2 दिन तो यहाँ शांतिपूर्वक धरना दे ही रहे हैं। उसके बाद जो हमारे प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कशिश कछावा जी हैं, उनसे हमारी बात हुई है, तो हम स्टेट लेवल पर जाएंगे और हम वहाँ धरना करेंगे। आपको शुभकामनाएं। मैं राजेश